अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुना है, और अल्लाह की मोहब्बत तो पाक होती है। तुम्हें अपनी इबादत के लिए खास कर लिया है उसने। उसने तो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी अता की है। जब सबने तुम्हें धुतकारा था तो उसी अल्लाह ने तुम्हें थामा था। तो तुम लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो? क्यों मायूस होते हो उसकी रहमत से? वो तो अपने प्यारों को मायूस नहीं होने देता। वो तो अपने होने का हर वक्त एहसास दिलाता है तुम्हें। उसको महसूस तो करो। उसके एहसास की ठंडक और नरमी तुम्हारी रूह में जज्ब होकर तुम्हारा हर गम मिटा देगी। मगर उसकी राह में जो मुश्किलात है, वो भी तो मोहब्बत है उसकी। वो परखेगा भी तुम्हें कि तुम खालिस हो उसके लिए। उसने आजमाइशों की भट्टी से गुजारना है ताकि तुम कुंदन हो जाओ। वो जानता है तुम उससे दूर रहकर बेचैन हो, उसके आगे रोना चाहते हो। कुरान की आयात से वो बातें करता है तुमसे। क्या ये उसकी मोहब्बत नहीं है? लौट जाओ उसकी तरफ, वो मुंतजिर है तुम्हारा। झुक जाओ उसके सामने, वो तुम्हें बुलंद कर देगा। उसकी मोहब्बत को कबूल कर लो, वो तुमसे मोहब्बत का इजहार फरिश्तों की जमात में करेगा। कितना खूबसूरत इजहार होगा वो।